अब बात करने वाले हम मीजो कंपाउंड की, ठीक है। मीजो कंपाउंड क्या होता है, उसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई कंपाउंड मीजो है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट टू कायरल सेंटर, स्पेसिफिक लिखा है टू, मतलब कम से कम दो। एक कायरल सेंटर वाला कंपाउंड कभी भी मीजो नहीं हो सकता है, दो कायरल सेंटर उस एक कंपाउंड में होना चाहिए, ठीक है। दो से ज्यादा होगा तो भी हो सकता है, तीन चार पांच, लेकिन कम से कम कितने कायरल सेंटर चाहिए, दो। दो कायरल सेंटर होंगे तब मैं बोलूंगा क्या है, मीजो कंपाउंड है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है, कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। वन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, कि आइदर कोई POS हो, CS, COS हो या डबल AOS हो, ठीक है। तो फिर से मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमें तो क्या देखना होता है, सिर्फ POS ही देखना होता है, ठीक है। COS भी बहुत रेयर केस में हमें, ठीक है, देखना होता है, और डबल AOS तो अगर होगा तभी जब उसमें POS होगा या CS होगा। तो अल्टीमेटली हमारा फोकस किस पे होगा, सारा POS पे। तो एक सिमेट्री एलिमेंट होना जरूरी है, सिमेट्री होने उसमें जरूरी है, मतलब POS होना जरूरी है। ये कंडीशन से ऐसा मान के चलो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है मीजो कंपाउंड की, ठीक है। दो कायरल सेंटर, कम से कम एक POS या एक सिमेट्री होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है, कि ये जो कंपाउंड होता है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। जब मैंने एनेंशियोमर अभी पढ़ाया था पहले, तो मैंने बताया था उसमें होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन। कब, जब एनेंशियोमर से अगर मैं क्या बना रहा हूँ, रेसिमिक मिक्सचर बना रहा हूँ, तो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बट ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। तब मैंने बोला था कि इंटरनल कंपनसेशन भी होता है, उसे हम मेजों में पढ़ेंगे, तो वही हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो एनेंशियोमर, तो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, सिंपल एनेंशियोमर होता है, वो एनेंशियोमर क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो और उसके मिरर इमेज दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर इक्वल मोल्स में हमने ऐड कर दिया, उसे रेसिमिक मिक्सचर बना दिया, तो वो रेसिमिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ओवरऑल। इसी तरीके से जो मीजो कंपाउंड होता है, ये भी ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है। दोनों के रीजन अलग अलग है, रेसिमिक और मीजो के, लेकिन वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। अब मीजो कंपाउंड कैसे पता लगेगा, तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन के फॉर्म में मैं बना रहा हूं, तो यहां पर मैंने ले लिया CH3, यहां पर भी ले लिया मैंने CH3, H, यहां पे Cl और यहां पे भी Cl, ये कंपाउंड मैंने लिया, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, एनेंशियोमर और मीजो के अंदर डिफरेंस ये है कि एनेंशियोमर तो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, उसकी मिरर इमेज होती, तो दोनों पेयर को मिला के हम एक एनेंशियोमर बोलते हैं, जबकि मीजो अपने आप में एक ही कंपाउंड होता है, ठीक है। मीजो में दो अलग अलग कंपाउंड नहीं होती, एक ही कंपाउंड होता है, जबकि एनेंशियोमर एक पेयर ऑफ कंपाउंड होता है, मतलब एक कंपाउंड होता है, उसकी मिरर इमेज, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं। अब पहली बात, तो पहली चीज इसने बोला कि कम से कम दो कायरल सेंटर होना चाहिए, तो देखिए इसमें क्या कोई दो कायरल सेंटर है क्या, ठीक है, इसमें कोई दो कायरल सेंटर है क्या, तो देखना इसमें एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक मिथाइल और रिमेनिंग ये ग्रुप, मतलब ये क्या है, कायरल सेंटर है। इस कार्बन की अगर बात करूँ, देखो ये कार्बन कायरल नहीं है, इसमें तीन हाइड्रोजन है, ये कायरल है, इसकी बात करें, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, एक मिथाइल अलग और रिमेनिंग ग्रुप अलग, मतलब चारों ग्रुप अलग है, तो और टेट्रावेलेंट है, तो ये भी कायरल, तो कम से कम दो कायरल होनी चाहिए, तो दो कायरल है। सेकेंड पॉइंट लिखा है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई POS या CS उसमें होना जरूरी है, तो देखकर बताया इसमें मुझे क्या कोई POS है क्या, क्या इसमें कोई POS है क्या, तो यहाँ से साफ मुझे देखने से पता लग रहा है कि इसमें ये क्या है, POS है, मतलब इस प्लेन के अलोंग अगर मैं क्या करूँ, इसको कट करूँ, इस प्लेन के अलोंग में इसको कट करूँ, तो देखना इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी, इसकी मिरर इमेज यहाँ बन रही है, इस हाइड्रोजन की मिरर इमेज यहाँ बन रही है, मतलब इसमें POS प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो सेकंड इसकी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अब देखो इसमें होता क्या, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इंटरनल कंपनसेशन से कैसे होता है, उसका मतलब क्या, वो हम समझते हैं। तो ये मेजो कंपाउंड है, ठीक है। अब मेजो कंपाउंड है, तो इसमें ध्यान से देखना, अगर मैं ये क्या है, ये जो कार्बन है ये कायरल सेंटर है, तो इसका कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, इन ग्रुप्स को क्या देना पड़ेगा, नंबरिंग देने पड़ेगी, प्रायोरिटी देने पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखें,
क्लोरीन को तो क्या देंगे, वन नंबर। अब ये तो हाइड्रोजन है, ये तो क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। जहां पर कार्बन से तीन हाइड्रोजन और इससे ये कार्बन और इससे रिमेनिंग ये ग्रुप, तो इसमें और इसमें अगर हम मैं प्रायोरिटी की बात करूंगा तो कार्बन के साथ क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन, और जबकि तीन हाइड्रोजन, तो इसको मैं क्या दूंगा, इससे नीचे वाले को टू नंबर दूंगा और इसको क्या दूंगा, थ्री नंबर दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, फोर। ठीक है, तो हॉरिजेंटल पोजिशन पे अगर हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है तो वन से टू मूव करूंगा, टू से थ्री मूव करूंगा, तो कैसी आ रही है, क्लॉकवाइज। और हॉरिजॉन्टल पे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे अगर मैं इसको लूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज इसको अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन से टू, टू से थ्री, तो क्लॉकवाइज आ रहा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, तो क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ इस कायरल सेंटर का कॉन्फिग्रेशन क्या है, एस। इस कायरल सेंटर का कॉन्फिग्रेशन क्या है, एस। हमेशा कॉन्फिग्रेशन जो आर एस होता है वो एक कायरल सेंटर का बताया जाता है, कंपाउंड का नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने बात करी इस कायरल सेंटर की। इसी तरीके से क्या ये भी कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, तो इसका भी कोई कॉन्फिग्रेशन होगा। तो कॉन्फिग्रेशन होगा तो देखिए, इसमें यहां पर फिर वापस हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को मैं क्या बोलूंगा, फोर ही बोलूंगा। ठीक है, क्लोरीन को वापस से क्या दूंगा, नंबर वन ही दूंगा, और इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप एक है और रिमेनिंग ग्रुप एक है, तो वापस से इसको मैं क्या दूंगा, ठीक है, वापस से ये क्या हो जाएगा, टू नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, थ्री नंबर हो जाएगा। किसके लिए, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वापस वन से टू, टू से थ्री, फोर्थ को इग्नोर करते हुए वन से टू, थ्री से थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आर। तो इस जो ये वाला जो कायरल एटम है, ये कायरल कार्बन है, इसका कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर। अब ध्यान से देखना, इसमें ये वाला इस POS के ऊपर हम देखें तो इसका कॉन्फिग्रेशन है S, इससे नीचे देखें तो इस कायरल एटम का कॉन्फिग्रेशन है R। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, उसके कायरल सेंटर की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एटम, ये कार्बन या ये सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो कंपाउंड है, क्योंकि देखना ये अपने आप में एक दूसरे की क्या बना रहे, मिरर इमेज बना रहे। अगर मैं कंपेयर करूँ इसको, एक ऊपर वाले को अलग कंपाउंड और नीचे वाले को अलग कंपाउंड मानूँ, तो देखना कि ये दोनों कंपाउंड सेम है मॉलिकुलरली, देख सकते हैं, ये मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है इतना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल दिख रहा है, दोनों एक दूसरे की क्या है, क्योंकि मिरर इमेज तभी तो होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम है आधार कंपाउंड का, ठीक है, और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल ये लाइट को रोटेट कर रहा होगा क्लॉकवाइज, ठीक है, 15 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट कर रहा होगा, तो ये एग्जैक्टली, क्योंकि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा होगा, 15 डिग्री रोटेट कर रहा होगा, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे उल्टा है, तो अगर ये क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आधा पार्ट अगर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। इसका उल्टा भी बोल सकता हूं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो ये क्या कर रहा होगा, क्लॉकवाइज जो मुझे दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन से, अगर ये एस है तो ये आर है, ठीक है, अपने आप में ये एक दूसरे की क्या बना ले रहे, मिरर इमेज बना ले रहे। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन। वहां एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों बोलते थे, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्या होते थे, दो अलग अलग कंपाउंड होते थे और एक कंपाउंड राइट में रोटेट करता था तो दूसरा लेफ्ट में रोटेट करता था रेसिमिक मिक्सचर में, तो वो ओवरऑल जब लाइट उससे पास करते थे तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता था। जब इस कंपाउंड का अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, उसमें से PPL को मैं पास करा रहा हूं, तो उस PPL में भी उसके प्लेन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, उसमें ना क्लॉकवाइज रोटेट करती PPL ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती। क्यों? क्योंकि जितना इसका अपर पार्ट एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा, अगर एक पार्ट अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होता तो उसका लोअर दूसरा पार्ट अपने आप उतना ही सेम, उतने ही अमाउंट में क्या करेगा, क्लॉकवाइज में करेगा। यानी क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे में क्या, एक दूसरे क्या बोल सकता हूँ, दो ऐसे बोल सकता हूँ, ये भी एक अलग कंपाउंड दिख रहा है मुझे, एक ये भी अलग अलग कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये क्या कर लेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अपोजिट है, तो वो तो क्या बताएगा, डायरेक्शन। और अमाउंट सेम क्यों? क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे देखने में सेम मिल रहा है, लेकिन ये क्या कंपाउंड अलग अलग है, तो एक ही कंपाउंड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल लाइट को पहले राइट में रोटेट कर रहा और फिर वापस वही क्या कर दे रहा, लेफ्ट में रोटेट कर दे रहा उतने डिग्री से, तो लाइट उसी प्लेन में क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंपनसेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन।
तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, जबकि रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। फिर से बोल देता हूँ, मीजो की कंडीशन क्या है, कम से कम दो कायरल सेंटर होना जरूरी है और उसमें कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट होना जरूरी है, दो ही चीजें। और ऐसा है तो वो कंपाउंड अपने आप क्या हो जाएगा, मीजो अगर बन रहा है, दो अगर ये दो कंडीशन फुलफिल करी तो क्या होगा, मीजो, और मीजो एक बार हुआ तो अपने आप वो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले। कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि वो कंपाउंड्स मीजो है या नहीं है, अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो कभी हो नहीं सकता, क्या होगा, मीजो हमेशा इनएक्टिव है। और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मीजो भी नहीं है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। ठीक है, तो सारे कुछ केसेस इस तरह के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले पहले। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मीजो, हमें पता करना है कुछ कंपाउंड्स में लिखते जा रहा हूँ कि उसमें से कौन मीजो है या नहीं है। ठीक है, तो कंपाउंड मीजो है तो कैसे पता लगेगा, उसमें दो कंडीशन है उसकी। ठीक है, तो मैं लिखते चल रहा हूँ। देखो हमें क्या है, कंपाउंड अगर मीजो है तो क्या क्या चाहिए उसमें, एक तो चाहिए मुझे कायरल सेंटर, ठीक है, फिर दूसरी चीज उसमें क्या चाहिए मुझे, एक सिमेट्री चाहिए, तो मैं सिर्फ अभी सिमेट्री के नाम पे POS लिख देता हूँ। ठीक है, फिर अगर ये दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो मीजो हो जाएगा, और मीजो होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, तो फिर मैं लिख देता हूँ इसके नीचे मीजो होगा, ठीक है, या नहीं होगा वो भी हमें पता लग जाएगा। अब यहाँ देखें, फर्स्ट कंपाउंड की अगर बात करें तो पहले देख ले कायरल सेंटर, कम से कम कितने चाहिए मुझे, दो कायरल सेंटर चाहिए। तो ये कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन एक दो तीन और रिमेनिंग अलग, ये कायरल सेंटर है। इसकी बात करें एक दो तीन और रिमेनिंग अलग, ये भी कायरल सेंटर है। इसका मतलब क्या है कि कायरल सेंटर इसमें कितना आ रहा है मेरे पास, दो। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन की बात करें POS, क्या इसमें कोई POS है, क्या इसमें कोई POS है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसमें कोई POS है क्या, तो कोई POS इसमें आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल कोई POS इसमें नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर कोई POS नहीं है। ठीक है, कोई POS इसमें नहीं है, तो क्या ये मीजो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आ रही बात समझ में, कायरल सेंटर तो है इसमें, ठीक है, लेकिन कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, या कोई देख लो COS भी है क्या, COS भी पॉसिबल इसमें नहीं है। ठीक है, तो ना तो इसमें POS है ना COS, मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, तो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही दोनों में से, तो मीजो अपने आप नहीं होगा। आ रही मेरी बात समझे, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो ये मीजो नहीं होगा। अब मुझे बताएं, कायरल सेंट्रिस में दे दिए, ये POS नहीं है तो मीजो भी नहीं होगा, क्या ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्या। ठीक है, देखो इस तरीके से कंपाउंड देखिए कुछ भी पूछ सकता है, मैंने सिर्फ ये लिखा क्वेश्चन में ये मीजो है या नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, कायरल सेंटर है या नहीं है, कितने हैं, POS होगा या नहीं होगा, तो मीजो होगा या नहीं होगा, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा। देखो मीजो होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अपने आप हो जाता, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीजो नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हमेशा होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा उस कंपाउंड पे। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए हमें क्या चाहिए, उस एलिमेंट में कायरल सेंटर चाहिए जो मुझे दो दिख रहे हैं उसमें, ठीक है, और उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि कोई भी नहीं है, POS का कोई भी सिमेट्री एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिकली भी क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली भी क्या होगा, एक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली ये क्या होगा, एक्टिव होगा। आ रही बात समझ में। सेकेंड कंपाउंड पे आ जाओ, सेकेंड कंपाउंड की अगर बात करूँ तो सबसे पहले वापस वही मैं क्या देख लूँ, कायरल सेंटर देख लूँ। कायरल सेंटर देखूँ तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसके लिए भी कायरल सेंटर, फिर POS, फिर ये मीजो है या नहीं है, और फिर ऑप्टिकली एक्टिविटी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये भी देखते चलना। ठीक है, तो यहाँ देखिए कायरल सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो एक दो तीन और नीचे वाला चार, तो ये दो ग्रुप तो सेम है, तो ये तो कायरल नहीं है, इस पर तो ऑलरेडी तीन हाइड्रोजन सेम, ये भी कायरल नहीं है, इस पर भी दो हाइड्रोजन सेम, ये भी कायरल नहीं है, और इस पर भी तीन हाइड्रोजन सेम, तो ये भी कायरल नहीं है, तो इसमें एक भी कंपाउंड कायरल सेंटर नहीं है, तो कायरल सेंटर कितने हो गए, जीरो। क्या इसमें POS है, दिख रहा बिल्कुल, ठीक है, ये POS भी मुझे इसमें क्या आ रहा है, नज़र आ रहा है, POS बिल्कुल है इसके अंदर,
ठीक है, पीओएस इसके अंदर है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, तो मीजो भी क्या होगा, नहीं होगा। आ रही बात समझ में? देखो दोनों में डिफरेंस है, यहां कायरल सेंटर था, पीओएस नहीं था, तो भी मीजो नहीं था, यहां पर पीओएस तो है ठीक है लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है तो यहां पर मीजो नहीं होगा। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव भी ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए, एक कायरल सेंटर चाहिए, जबकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव भी ये क्या नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ठीक है बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें इसको कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन लूँ इसमें, थर्ड है ना, तो इसमें अगर मैं ये देखे इसमें, तो इस तरह का अगर आपको कंपाउंड दे दिया, ठीक है साइक्लिक कंपाउंड दे दिया, तो इसमें बताए ये मेजो होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से ठीक है, इसी तरीके से एक कंपाउंड और लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे इसकी जगह, यहाँ कंपाउंड में लिख दे रहा हूँ एक, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, दोनों में बताए मेजो होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये चीज़ें ठीक है हर कंपाउंड के लिए मैं चार चीज़ें चेक करने वाला हूँ। आ जाए थर्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ, ठीक है थर्ड में अगर मैं बात करूँ, तो पहले सबसे पहले मैं क्या देखूँगा, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर के लिए देखें इधर, इस पर तो दोनों हाइड्रोजन होंगे, दोनों हाइड्रोजन होंगे, ये दोनों नहीं होगा। इस पर देखें तो एक एच होगा, एक सी एल होगा, यहाँ चल रहे तो मेरे को कार्बन और उसके साथ दो हाइड्रोजन, आगे कार्बन मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक सी एल मिल रहा है, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या अलग हो गया, तो ये कायरल सेंटर है। सेम हाइड्रोजन क्लोरीन दो अलग अलग, ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाला ग्रुप अलग है, तो ये भी एक कायरल सेंटर है। तो इसमें क्या है, कायरल सेंटर तो मुझे मिल रहे, कितने, दो कायरल सेंटर मिल रहे। क्या इसमें कोई पीओएस है? ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कि जो हमने पीओएस कितने सारी प्रैक्टिस करी, क्यों करी, क्योंकि अब हमें बिल्कुल देखते समझ में आना चाहिए पीओएस है या नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें वैज डैश नहीं दे रखा, लेकिन जो ऊपर दे रखा मैंने उसको कुछ भी मान लो, या तो इस दोनों को ऊपर वाले को डैश मान रहा हो तो ये भी डैश हो जाएगा, इसको वैज मान रहा हो तो ये भी वैज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को देखोगे तो इसमें पीओएस आपको क्या आएगी, नजर आएगी। और देखना इसको ध्यान से, इस तरीके से मैं इस कंपाउंड को क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, इस तरीके से कंपाउंड को कट कर रहा हूँ, तो इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी। ये अगर मान लिया मैंने वैच पे है, तो ये इस साइड निकला होगा, तो इसकी मिरर इमेज उस साइड वैच पे होगी, डैश अंदर की साइड होगा, तो इसकी डैश अंदर की साइड मिरर इमेज बनेगी। और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मल भी हम देख सकते हैं, ठीक है। एच के ऊपर मिरर इमेज एच ऊपर बनेगी, सी एल की मिरर इमेज सी एल नीचे बनेगी, बाकी ये इस वाले जो कार्बन की मिरर इमेज ये अपना बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये क्या है, ये POS है, इसका मतलब POS भी इसके अंदर है। फिर आ जाओ, कायरल सेंटर होने चाहिए, वो भी कम से कम कितने, दो, तो दो है इसमें। POS होना चाहिए तो वो भी है, तो मीजो होगा, बिल्कुल होगा, दोनों कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मीजो है तो ऑप्टिकली एक्टिव कभी हो ही नहीं सकता है, नहीं, सीधी सी बात। और वैसे भी देख सकते हैं कि इसमें POS आ गया, जैसे POS आ गया, सिमेट्री आ गई, तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है। इसके अंदर आ जाए फोर्थ के अंदर, ठीक है, इसको चेंज कर लेना नंबर, ये क्या हो गया फोर्थ। तो फोर्थ में अगर हम देखें, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढे, कायरल सेंटर। तो यहाँ पर देखें, ये H, ये Cl, यहाँ से और इन दोनों में कंपेयर करना है, तो यहाँ से और यहाँ चले तो कार्बन, फिर दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे, फिर आगे चले तो कार्बन दो हाइड्रोजन, और फिर ये वाला कार्बन, तो दोनों के लिए कॉमन आ जाएगा, तो ये कोई कायरल सेंटर नहीं है। तो सेम इसी के लिए हो जाएगा, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, और ये तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब पे क्या, दो दो हाइड्रोजन है, तो कायरल सेंटर दोनों के अंदर क्या है, जीरो, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर एक भी कायरल सेंटर नहीं है। क्या इसके अंदर पीओएस है, ठीक है, क्या इसके अंदर पीओएस है, तो पीओएस तो मुझे दिख रहा है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और इसको मैं अगर कैसे ऐसे भी कट करता, ठीक है, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती मुझे,
ठीक है, उसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन, फिर ये हाइड्रोजन क्लोरीन, ये सब क्या करते, इस प्लेन के अंदर कट हो जाते और इसकी मिरर इमेज तो ये बनती। यहाँ पे भी मुझे क्या दिख रहा है, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ये ऊपर अबाव होगा तो इसकी मिरर इमेज ये अबाव मिलेगी, ये बिलो होगा इसकी मिरर इमेज ये मिले, तो एक POS चाहिए कम से कम, तो POS तो है इसके अंदर। लेकिन कायरल सेंटर है नहीं है एक भी और POS है, तो क्या मीजो होगा? कभी नहीं, दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होने चाहिए। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो ऑप्टिकली एक्टिव फिर से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके अंदर एक भी कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। और ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, कायरल सेंटर नहीं है इसमें तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, साथ के साथ POS भी है तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ हो गया ना, आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना? नहीं दिख रहा होगा तो इस बार मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे एक तो कायरल सेंटर लिख रहा हूँ मैं बार बार, फिर मैं POS लिख रहा हूँ, फिर मेजो लिख रहा हूँ, और ऑप्टिकली क्या एक्टिव होगा या नहीं होगा ये मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कंपाउंड के लिए मैंने लिखा कि कायरल सेंटर इसमें क्या है, ज़ीरो है, POS इसके अंदर है, तो मेजो नहीं होगा और मेजो नहीं है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों कंपाउंड के मैंने नीचे लिख दिया। तो इसमें से एग्जाम में तुम्हें कोई भी एक चीज़ पूछ सकता है वो, ठीक है, मैं चार चार चीज़ें बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल इसका, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ठीक है, न्यूमैन के फॉर्म में अगर दे रखा हो, ठीक है, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ एग्जाम्पल न्यूमैन फॉर्म में अगर ये दे रखा है, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है मुझे CH3, फिर ये Cl और ये Cl, ये H और ये H, ठीक है। इस कंपाउंड में बताएं आप, इस कंपाउंड में बताएं क्या कायरल सेंटर है, फिर POS वगैरह देखे, फिर बताएं मेजो है या नहीं है। सिक्स्थ एग्जांपल इसमें देखे, ठीक है, एक स्टैगर्ड फॉर्म है और एक एक्लिप्स फॉर्म ले लेता हूँ, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म इसके अंदर यहाँ पे Cl Br और ये H और H, तो दोनों कंपाउंड्स के अंदर हमें बताना है, ठीक है, चारों चीज़ें। फिर आ जाए सबसे पहले क्या देखें हम, कायरल सेंटर फ्रंट वाले कार्बन को देखो, मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन, पीछे वाला ग्रुप बिल्कुल अलग है, तो ये कायरल सेंटर बिल्कुल है। पीछे वाले कार्बन पे चले जाओ तो कार्बन पे एक तो ये आगे वाला ग्रुप बिल्कुल अलग है, हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, मिथाइल अलग हो गया, मतलब दो कायरल सेंटर है इसमें, ठीक है। नीचे का मतलब ये पूरे सर्किल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें दो कायरल सेंटर बिल्कुल है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें बताया कोई POS है क्या, ठीक है, या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट है क्या इसके अंदर, ठीक है, ये हमें देखना है कोई सिमेट्री एलिमेंट इसमें है क्या। तो POS देखोगे तो POS तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, POS तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ मैंने POS पढ़ा है तो यहाँ पर इस तरीके के न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक्लिप्स और स्टेगर्ड फॉर्म दोनों बताए थे और उसमें मैंने बताया था, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना। इसमें क्या है, POS तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने शायद ध्यान से देख लिया होगा या उस टाइम ध्यान से पढ़ा होगा, तो इसमें COS है, सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर है। कैसे देखना, ये कार्बन है, तीन इस पर लगे हुए, पीछे फिर जा रखा है और फिर उस पर तीन लगे हुए हैं, ऐसे ही है बीच में इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये है तो सामने तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, टॉप में इधर और इधर, और ये जो पीछे वाला है इधर भी क्या दिख रहा है तुम्हें, बॉटम में, ठीक है, और ये बॉटम वाला पार्ट हो गया एक इस साइड में और एक इस साइड में, ठीक है, इस तरीके से।
तो COS कैसे होगा? मैंने बोला वो सेंटर होता है जिस सेंटर में जिस भी डायरेक्शन पे आप मूव करो उसके बिल्कुल अपोजिट 180 डायरेक्शन में सेम चीज मिलनी चाहिए। तो देखना उस सेंटर से जब आप पीछे की तरफ मूव करोगे तो मिथाइल मिलने चाहिए, तो आगे की तरफ मूव करोगे तो देखना ये मिथाइल मिलेगा, या उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है, ये कहाँ आगे, तो ये उस सेंटर से ये आगे मूव करोगे तो मिथाइल मिलेगा, पीछे की साइड जाओगे तो ये मिथाइल मिलेगा, फिर आगे की साइड मूव करोगे सेंटर से, इस कंपाउंड के सेंटर से जो ये लाइन है ना इसकी, ये हमारा सेंटर होगा, तो यहाँ पे इसे मूव करोगे तो मिथाइल, और यहाँ से इधर नीचे मूव करोगे तो मिथाइल, ठीक है, ये मिथाइल इधर मिलेगा आगे तरफ, ये मिथाइल पीछे मिलेगा, पीछे वालेगा, ठीक है। फिर अगर मैं ऐसे ही बात करूँ तो इसमें इधर आगे की तरफ क्या दे रखा है, क्लोरीन दे रखा है, ठीक है, आगे की तरफ आपको इधर क्लोरीन दे रखा है, और ये पीछे की साइड, ठीक है, सॉरी, इसका क्लोरीन इधर नीचे दे रखा है, तो ऐसे क्लोरीन उसका पीछे मिलेगा, सेम हाइड्रोजन इधर आगे है तो उसके पीछे के साइड हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो जहाँ पर मैंने POS बताया किसके लिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए, वो वीडियो निकाल के देख लेना, हो सकता है मैंने इसको मॉडल से भी एक्सप्लेन कराऊँ, ठीक है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस बार POS तो नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री जरूर है, यानी मैंने बोला कोई भी सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसमें COS जरूर है, ठीक है। तो सिमेट्री है, दो सेंटर है, तो मीजो भी क्या होगा, और मीजो अगर है, ये मीजो अगर है, ठीक है, मीजो अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव तो कभी भी हो नहीं सकता है, ठीक है, इसमें आ जाए, ठीक है, ये स्टेगर्ड फॉर्म में, ये एक्लिप्स फॉर्म में, एक्लिप्स फॉर्म में देखें पहले तो क्या कायरल सेंटर है, तो इसकी बात करें तो हाइड्रोजन ब्रोमीन क्लोरीन और पीछे वाला ग्रुप अलग, तो ये कायरल सेंटर बिल्कुल है, पीछे वाले कार्बन की बात करें तो आगे वाला ग्रुप बिल्कुल अलग है, ब्रोमीन क्लोरीन, तो ये भी कायरल सेंटर बिल्कुल है, तो दोनों कायरल सेंटर है इसमें, तो दो कायरल सेंटर में लिख दिए। फिर क्या इसमें, इस बार बात करूँ COS की, तो देखना ये फ्रंट में COS आ रहा है, तो इसके पीछे जाना चाहिए COS, तो पीछे नहीं है, उसके एकदम पीछे ही है, तो COS तो पॉसिबल नहीं है। क्या इसमें POS पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है POS, ठीक है, दिख रहा होगा, क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन एग्जैक्टली उसी के पीछे क्लोरीन हाइड्रोजन और ब्रोमीन दे रखा है, तो ये जो मैं लाइन ऐसे बता रहा हूँ यहाँ पर लगे होंगे क्लोरीन, ऐसे लगा हुआ है क्लोरीन, और फिर एक साइड में, ठीक है, इस साइड में हाइड्रोजन है और इस साइड में क्या ब्रोमीन है, ठीक है, तो इसके एग्जैक्टली पीछे यहाँ पे जहाँ पर क्लोरीन है उसके एग्जैक्टली यहाँ पीछे क्या है, क्लोरीन इधर है, तो ये इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इस क्लोरीन की मिरर इमेज यहाँ बन रही है, फिर इधर इस ब्रोमीन की मिरर इमेज इधर आगे बन रही होगी, इधर हाइड्रोजन की मिरर इमेज इधर पीछे बन रही होगी, तो ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इसके अलोंग ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, आ रही बात समझ में। तो POS भी है, दो कायरल सेंटर हो गए, तो मीजो भी होगा, और मीजो है तो ऑप्टिकली एक्टिव कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी कि मैंने इतना टाइम क्यों लिया था POS COS समझाने में, ठीक है, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में यूज़ होता है, लेकिन उनके यूज़ के बगैर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम, इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फिर इसमें, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए एक इसी तरीके से, ठीक है, न्यूमैन मैंने ले लिया, इसी तरीके से मैं एक 100 हॉर्स में ले लेता हूँ, ठीक है, 100 हॉर्स में मैंने ले लिया इसमें, और इसमें मुझे मैंने कंपाउंड ले लिया ClHBr, यहाँ पे भी ClH और Br, ठीक है। इसमें बताएं एक तो आप कि ये मेजो होगा या नहीं होगा, और एक लास्ट कंपाउंड और लिख देता हूँ मैं, ठीक है, साइक्लिक टाइप का कंपाउंड लिख देता हूँ, यहाँ पर इसमें H लगा देता हूँ और यहाँ पर इस पे H लगा देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंड में हमें बताना है, ठीक है, दोनों कंपाउंड में इसमें हमें बताना है कि मीजो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर 7th को अगर हम देखें, ठीक है, तो वापस ये चीज़ें देख लेते हैं हम, कि पहले तो आप देखिए कायरल सेंटर है या नहीं है, ठीक है,
कायरल सेंटर इसमें है या नहीं, ये चेक कर ले, कायरल सेंटर है या नहीं ये चेक कर ले इसमें। तो इस पे देखे, ये वाला बात करें इस कार्बन की, एक दो तीन और रिमेनिंग अलग ग्रुप, कायरल सेंटर बिल्कुल है, एक दो तीन और रिमेनिंग ग्रुप अलग, तो ये भी कायरल सेंटर है, इसका मतलब दो कायरल सेंटर है इसमें। क्या इसमें कोई सी ओ एस या पी ओ एस है? सी ओ एस तब होता है जब ये क्लोरीन यहाँ से, ये सेंटर जो अभी मैं बता रहा था इस फॉर्म में देख सकते हो, उस जो पिछले क्वेश्चन का यहीं पे जो मैंने लिखा था, ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन लिखा था स्टैगर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें कैसे देख रहे थे, इस सेंटर्स में देख रहा था कि ये आगे जा रहा था, यहाँ से पीछे आना चाहिए था, वो उल्टा फॉर्म में था यानी, ठीक है, स्टैगर्ड फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सी ओ एस की बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या पी ओ एस है क्या इसमें? बिल्कुल, ये पी ओ एस है इसमें, देख सकते हो ऐसे, इस क्लोरीन की मिरर इमेज क्लोरीन, ये हाइड्रोजन की मिरर इमेज हाइड्रोजन, और ब्रोमीन की मिरर इमेज ब्रोमीन, ठीक है। हाइड्रोजन पीछे होगा तो यहाँ पे भी पीछे, ब्रोमीन ये आगे होगा तो यहाँ पे भी आगे। तो इस तरीके से मैं इसको कट करूँगा, जो अभी यहाँ मैंने लिखा था ये उसी का एक तरीके से क्या हो गया, सोहर्स फॉर्म हो गया, ठीक है। वो किस फॉर्म में था, न्यूमैन फॉर्म में। तो यहाँ पर सी ओ एस तो नहीं है, लेकिन क्या है, पी ओ एस है, तो मैंने पी ओ एस लिख दिया, और दो कायरल सेंटर हो गए, पी ओ एस हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए, तो मीजो हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा यानी, ठीक है। यहाँ देखिए एट्थ वाले में, ठीक है, एट्थ में वापस देखिए, कायरल सेंटर है क्या, इधर हाइड्रोजन है, इधर कुछ नहीं दे रखा, तो अपना आप क्या हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा तो क्या हो गया, ये इधर सी है मतलब मिथाइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन मिथाइल। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन, और इस कार्बन से एच सी और सी है, और यहाँ से इसको देखेंगे तो इस कार्बन पे एच एच और सी है, दो हाइड्रोजन एक कार्बन है, जबकि इस पे दो कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब ये ग्रुप अलग हुआ, ये ग्रुप अलग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर होगा, सेम चीज़ इसी में है, ठीक है, मिथाइल अलग हाइड्रोजन अलग, ये ग्रुप अलग हो गया, इधर ये ग्रुप अलग हो गया, तो दो कायरल सेंटर आ गए। तो कायरल सेंटर तो यहाँ पर क्या हो गया, दो। अब क्या इसमें कोई पी ओ एस या सी ओ एस है, तो ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन ऊपर है, इधर मिथाइल ऊपर है, अगर मैं ये पी ओ एस अगर मैं लेता हूँ, ये पी ओ एस लेता हूँ, तो इस हाइड्रोजन की वैच पे, ठीक है, वैच पे जो मिरर इमेज है, इधर हाइड्रोजन पे भी वैच पे मिरर इमेज बन रही थी जगह, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्या मिल रहा है मुझे, मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो ये पी ओ एस तो कभी भी नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में? फिर क्या ये मॉलिकुलर प्लेन इसका पी ओ एस हो सकता है? मॉलिकुलर प्लेन अगर मैं पी ओ एस होता तो इसकी मिरर इमेज ये बननी चाहिए थी, जबकि हाइड्रोजन ये मिथाइल है, तो वो पी ओ एस भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा कोई पी ओ एस हो सकता है या कोई सी ओ एस इसमें आपको नजर आ रहा हो, ठीक है, तो इसमें कोई पी ओ एस या सी ओ एस नहीं है, ठीक है, तो कोई पी ओ एस या सी ओ एस नहीं है, तो मीजो भी ये नहीं होगा, और मीजो नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, वो डिपेंड, जरूरी नहीं कि हमेशा जो कंपाउंड मीजो नहीं है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो डिपेंड करेगा इस कंपाउंड पे। तो कंपाउंड में क्योंकि कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, दूसरा इसमें दो दो कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो दो दो है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी क्या होगा, होगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें से मैंने चार में से कोई भी एक या दो चीज़ वो पूछ सकता है, तो इसको एक बार कॉपी कर ले और ध्यान से इसको देख लें।